हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम इन माय चैनल। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे मतलब प्ले स्टोर पर, जैसे आप भी देखे होंगे कि बहुत सारी ऐप आपकी ऑटो अपडेट हो जाती हैं और आपका पूरा डाटा जो है तो ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह से आप भी बहुत परेशान हो जाते हैं और आपके ऐप ऑटो अपडेट हो जाती हैं। तो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में क्या है, स्पेस कम रहता है तो वो स्पेस भी ज़्यादा आपका भर जाता है और आप फिर उस पर ज़्यादा कुछ रख नहीं सकते। तो इस तरह से आप यदि चाहते हैं कि आपकी अपडेट वो ऐप जो है तो ऑटो अपडेट ना हो और आप जब चाहें तभी वो ऐप अपडेट हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं बिल्कुल 2 मिनट के वीडियो आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल आसानी से ऑटो अपडेट वाली जो सेटिंग है उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। तो इसके लिए आपको सीधा प्ले स्टोर पर चले जाना है। वहाँ से आप सीधे प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप जाएंगे 3 डॉट्स पर। यहाँ पर जाने के बाद आप ढूंढेंगे यहाँ पर सेटिंग, ये आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ऑटो अपडेट ऐप, ये देखिए अभी मैं ओवर वाईफाई ओनली करके रखा हूँ। ओवर एनी नेटवर्क कर देंगे तो जब आप कोई भी नेटवर्क आपका हो पाए पकड़ेगा, मतलब जैसे वाईफाई होगा, कोई भी होगा, आपका डेटा होगा, तो उसमें दोनों में आपके अपडेट हो जाएंगे ऐप। डोंट ऑटो अपडेट ऐप अभी यदि आप कर देंगे तो आपके ऐप जो है तो ऑटो अपडेट नहीं होंगे, आप जब चाहेंगे तभी वो ऐप अपडेट होंगे। तो इस तरह से आप समझिए, यदि आप वाईफाई कर देंगे तो आपके वाईफाई के थ्रू अपडेट होंगे जब आपको वाईफाई पकड़ेगा मोबाइल। तो इस तरह से आप डन कर देंगे यहाँ से, अब ये ऐप आपकी ऑटो अपडेट नहीं होगी, आप जब चाहेंगे तभी ये ऐप अपडेट होगी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कैसे आप ऑटो अपडेट सेटिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, यदि अच्छा ना लगा तो डिसलाइक करें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।